सिक्योरिटी। वैसे तो देश के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहीं जब बात आती है देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की तो वहां जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री उस देश के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन या नागरिक होते हैं। बात की जाए हमारे इंडिया की तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी टाइट सिक्योरिटी आपने देखी ही होगी। पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जानकारी किसी भी आम इंसान को पूरी तरह से नहीं होती, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सबको पता होती है, कुछ ऐसे फीचर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के जो शायद आपको भी ना पता हो। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। नंबर 10, सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेस। अक्सर आम जनता से रूबरू होने मोदी जी को बहुत से ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जहां खतरा कुछ ज्यादा ही होता है। पब्लिक प्लेस पर मोदी जी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी जगहों पर उन्हें 5-लेयर सिक्योरिटी दी जाती है। हर लेयर में स्पेशल कमांडो होते हैं। पीएम मोदी के सबसे पास वाले लेयर में होते हैं एसपीजी के कमांडोज। सेकंड लेयर में होते हैं पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड। थर्ड लेयर में होते हैं एनएसजी के कमांडोज। फोर्थ लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स और लास्ट लेयर में होते हैं लोकल एरिया पुलिस। ऐसी 5-लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नंबर 9, सिक्योरिटी व्हीकल्स। पीएम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी व्हीकल्स में सबसे पहले आती है मोदी जी की कार, जो बीएमडब्ल्यू की 760 Li, एक हाई सिक्योरिटी कार यूज करते हैं। ये कार बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है अगर सिक्योरिटी पर्पस की बात की जाए तो, इसलिए सिर्फ स्पेशल लोगों को ही ये कार दी जाती है। साथ ही साथ इस कार की ड्राइविंग के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये कार VR7 से BRV 2009 ब्लास्टिक प्रोडक्शन रेटिंग के लिए सर्टिफाइड होती है, जिस वजह से ये किसी भी मशीन गन फायर और किसी भी लैंडमाइन ब्लास्ट से आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदीज कॉन्वॉय। इतिहास गवाह है जब भी कोई अटैक होता है किसी भी स्पेशल पर्सन पर तो उसके काफिले का बुरा हाल होता है, इसलिए मोदी जी के साथ साथ उनके काफिले के भी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। मोदी जी के काफिले की बात की जाए तो उसमें 3 हथियारबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 2 रेंज रोवर्स, कम से कम 8 से 10 BMW X5, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटलर एम्बुलेंस तो होती ही है। पीएम की कार जैसी हूबहू 2 और कार्स भी होती हैं ताकि ये आइडेंटिफाई ना किया जा सके कि पीएम किस कार में है। साथ ही इन कार्स में कम से कम 100 कमांडोज होते हैं। नंबर 7, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए 24/7 रेडी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिनका प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में एक अहम योगदान है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा योगदान प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में अगर कोई देता है तो वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी उस हर बात पर या उन हर मूवमेंट्स पर ध्यान देती है जो मोदी जी के आसपास घटती है, एक तरह से मोदी जी के साए की तरह उनकी सुरक्षा करती है। एसपीजी को बनाया ही गया है भारत के हर एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इनकी ट्रेनिंग भी कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका की तरह इन्हें भी ट्रेन किया जाता है, और इस तरह की ट्रेनिंग से ये इतने चुस्त दुरुस्त होते हैं कि कुछ सेकंड्स में ही किसी भी एनिमी को ढेर कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी में जवानों की संख्या है लगभग 3000। नंबर 6, वेपन्स ऑफ एसपीजी। एसपीजी की ट्रेनिंग जिस तरह एडवांस होती है, ठीक वैसे ही इन्हें दिया जाता है एडवांस्ड वेपन्स। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए इन्हें बहुत ही स्पेशल और एडवांस वेपन्स देना तो लाजमी है। इनके वेपन्स में बेल्जियम से इंपोर्टेड 3.5 kg असॉल्ट राइफल, FNF 2000 असॉल्ट राइफल, FN स्कार, FNP 19 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7M रिवॉल्वर जैसे हथियार हैं। ये कमांडोज बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो नी पैड्स के साथ आपको हमेशा बिजनेस सूट और ब्लैक सनग्लास पहने ही नजर आएंगे। ब्लैक सनग्लासेस पहनने की एक वजह यह है कि इससे वो आसपास के लोगों पर निगरानी रख सके। नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG।
मोदी जी की सुरक्षा में एक अहम किरदार निभाने वाली सिक्योरिटी सर्विस NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनकी शुरुआत हुई थी ईयर 1986 में। NSG को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। वजह इनकी सिक्योरिटी सर्विस है, जिसे Z+ सिक्योरिटी कहा जाता है। ये किसी भी टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए फुल्ली ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होती है। इन्हें स्पेशल और एडवांस वेपन दिए जाते हैं, साथ ही ट्रेनिंग में मार्शियल आर्ट्स भी सिखाया जाता है, ताकि विदाउट वेपन्स भी ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। किसी भी स्पेशल पर्सन की सिक्योरिटी में अगर NSG तैनात हो तो उसमें टोटल 36 कमांडोज होते हैं। नंबर 4, पुलिस। इंडियन पुलिस जो हर जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। PM की सिक्योरिटी में इनका भी रोल इंपॉर्टेंट है, और PM की सिक्योरिटी के लिए बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें पुलिस के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि PM को हर स्टेट में कभी ना कभी कोई दौरा करने जाना ही पड़ता है। ऐसे में PM की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल उस स्टेट की पुलिस को रखना पड़ता है। PM के आने के 10 से 15 दिन पहले से उस जगह का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, जहां PM का संबोधन होता है। पुलिस की गाड़ी PM के काफिले के दोनों तरफ होती है। काफिला जहां से भी गुजरता है, अगर वहां कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ियां उनसे निपटती है। साथ ही पुलिस रोड से ट्रैफिक कम करने का काम भी करती है। नंबर 3, एरोप्लेन ऑफ PM मोदी। प्राइम मिनिस्टर को अक्सर विदेश दौरे पर जाना पड़ता है कभी भी, ऐसे में प्लेन में उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। मोदी जी को कभी भी ऐसे दौरों पर जाना होता है तो वो सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से इंटर करते हैं। एयरपोर्ट पर सब्स्टिट्यूट प्लेन्स रेडी रहते हैं, ताकि अगर किसी प्लेन में कोई फॉल्ट आ जाए तो दूसरा यूज किया जा सके। खास बात यह है कि PM मोदी का प्लेन जब टेक ऑफ होता है, उस वक्त एयरपोर्ट नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस वक्त दूसरा कोई भी प्लेन ना तो टेक ऑफ होता है, ना ही कोई प्लेन लैंड कराई जाती है। प्लेन के अंदर NSG कमांडोज और स्पेशल लोगों के अलावा कोई भी नहीं होता। नंबर 2, बंगलो ऑफ PM नरेंद्र मोदी। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से भी जाना जाता था, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस और वर्क प्लेस है। इसे 1980 में बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स का ऑफिशियल नेम है पंचवटी, जो फैला है 12 एकड़ की जमीन पर। टोटल इसमें 5 बंगलोज हैं। इस बंगलोज में SPG कमांडोज हर पल तैनात होते हैं। इसकी सिक्योरिटी किसी फोर्ट से कम नहीं होती। अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ भी जाए तो बंगलो के नीचे 1.5 किलोमीटर की सुरंग है, जहां से आसानी से PM को सिक्योरिटी के साथ सेफ किया जा सकता है। नंबर 1, व्हाट इफ समवन अटैक्स PM नरेंद्र मोदी। हमने आपको PM के सारे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बारे में बता दी है, तो अब आप ही सोचिए क्या हो अगर PM के बंगलो में अटैक हो। क्योंकि कमांडो वहां हर पल तैनात होते हैं, कोई भी अंदर जा ही नहीं सकता, और चले भी गया तो सुरंग तो होती ही है, और पब्लिक प्लेस पर तो 5 लेयर सिक्योरिटी से भला कोई कैसे बच सकता है। बात रही काफिले की, तो वहां भी इतनी सेफ कार की किसी ब्लास्ट का कोई असर नहीं उस पर। मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए ये थे सारे फीचर्स। वैसे हमारा कमेंट बॉक्स इतना सिक्योर नहीं है, आप वहां कमेंट कर सकते हैं अपने सजेशंस। ये था NCR टाइम्स।